हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट किचन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में एक दम बिरयानी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही डिलीशियस लगती है, सभी की फेवरेट होती है, ये मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये घर में बहुत ईजीली बनाई जा सकती है और बहुत ही जायके की बनती है ये। तो आइए बताते हैं कि एक दम बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। एक दम बिरयानी बनाने के लिए हमने ये 600 ग्राम बासमती राइस ले लिया है और इसे हमने आधे घंटे से सोख करके रख लिया था। ये इस तरीके का सफ़ेद चावल होता है और ये खाने में बहुत ही जायके वाला होता है। तो ये हमने आधे घंटे से सोख करके इसे बहुत अच्छे से वॉश करके रख लिया है। साथ हमने अंडे लिए हैं और इन्हें बॉयल करके इन्हें पील कर लिया है, इनका छिलका हटा दिया है। दो मीडियम साइज़ की प्याज को हमने स्लाइसिस में कट कर लिया है बहुत ही फाइन तरीके से, इसे हम फ्राई करेंगे। दो मीडियम साइज़ के टमाटर को भी हमने फाइन चॉप कर लिया है और ये 4 से 5 हमने ग्रीन चिलीज ली हैं जिन्हें हमने बीच में से इस तरीके से स्लिट कर लिया है। गार्निशिंग के लिए हमने ये 1 कटोरी हरा धनिया और 1 कटोरी हमने पुदीना लिया है, इसे हमने दोनों को बहुत अच्छे से वॉश करके इन्हें कट कर लिया है। गर्म मसाले में हमने 2-3 बे लीव्स ली हैं, ये 1/2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने क्लोव्स ली हैं और 2 पीस हमने ये सिनेमन स्टिक्स के लिए हैं, 2 हमने ग्रीन कार्डिमम ली हैं और 1 टीस्पून से थोड़ी से ज़्यादा हमने ये क्यूमन सीड्स लिए हैं। 2 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 200 ग्राम हमने दही लिया है, ये हमने थोड़ी सी केसर ली है 4-5 अदद जिसे हमने 2 से 3 टेबलस्पून दूध में सोख करके रख दिया है और ये अच्छे से इसका कलर आ गया है। और ये देखिए हमने 1/4 टीस्पून रेड ऑरेंज फूड कलर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। जायके के मुताबिक हम नमक का यूज़ करेंगे। 3 टेबलस्पून हमने बिरयानी का मसाला लिया है, दम बिरयानी का मसाला है और इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप ये वहाँ से देख सकते हैं। और 2 सर्विंग स्पून के करीब हम ऑयल का यूज़ करेंगे, ये वेजिटेबल ऑयल है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चावलों को बॉयल कर लेंगे। चावल बॉयल करने के लिए हमने एक वेसल ले लिया है और उसमें हमने चावलों से 2.5 गुना ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है, इसी में हम चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक का जो टेस्ट है वो पानी में बिल्कुल खुलता हुआ होना चाहिए, तो आप यहाँ पर चला लें और पानी का नमक टेस्ट कर लें। पानी में नमक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, हल्का सा बल्कि खुलता हुआ ही होना चाहिए। अगर आपका नमक कम रह जाएगा पानी में तो हमारी बिरयानी में नमक कम रह जाएगा, तो आप यहाँ पर नमक टेस्ट कर लें। पानी में हमने नमक ऐड कर दिया है, इसी में हम ऐड कर देंगे तेज़पत्ता और सिनेमन स्टिक के पीसेस ताकि इनकी खुशबू हमारे चावलों में बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाए। अब हम इसे कवर करके रख देंगे और इसे 80% तक हम कुक कर लेंगे। जब तक हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं हम दूसरा पैन ले लेंगे और उसमें हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। चावलों को हमने दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हम 2 सर्विंग स्पून के करीब ऐड करेंगे और इसे अच्छा गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पर। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 बाय 1 अंडे ऐड कर देंगे। अंडों को हम फ्राई कर लेंगे। अंडों में हमारे चारों तरफ हल्के हल्के से स्पॉट आ जाने चाहिए, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है पलटते हुए। ये देखिए अंडे हमारे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनमें चारों तरफ अच्छे से स्पॉट आ गए हैं। अब हम इन्हें एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। पाँच मिनट हो गए हमारे चावलों को पकते हुए, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, चावल की हमारी एक कनी बाकी रह गई है, बाकी हमारे चावल टेंडर हो चुके हैं 80% तक। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने चावलों को हम एक छन्ने में निकाल लेंगे। एक बर्तन के ऊपर हमने छन्ने को रख दिया है। अब हम कपड़े की मदद से भगोने को उठाएंगे और अपने चावलों को इस छन्ने में निकाल लेंगे। चावलों को हमने छन्ने में निकाल लिया है, अब हम इसे साइड कर देंगे। चावलों को हमने फ्राई कर लिया है, अब बचे हुए तेल में हम अनियन फ्राई कर लेंगे। इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर।
अनियन हमारी लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी है, तो इसमें से अब हम हाफ अनियन बाहर निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए, और हाफ हम इसी में रहने देंगे। अब हम इसी में ऐड कर देंगे गरम मसाले, सारे साबुत गरम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने प्याज के साथ एक मिनट फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसी में टमाटर और ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। यहीं पर हम ऐड कर देंगे बिरयानी का मसाला, यह हमने 3 टेबल स्पून लिया है। मसाले को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, इसे अच्छे से मिक्स करके इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ। मसाले को हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे, दो अंडों को हमने हाफ कट कर लिया है, इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तीन से चार टेबल स्पून पानी का यूज़ किया है हमने यहाँ पर। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो ग्रेवी है, जो मसाला है, वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। 2 मिनट हो चुके हैं हमारे मसाले को स्लो फ्लेम पर पकते हुए, ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपनी चावलों की लेयर की तैयारी कर लेंगे। चावलों की लेयर लगाने के लिए हम इसी तरीके का कोई भी वेसल ले लेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक चावल की लेयर लगाएंगे, चावल की लेयर चारों तरफ लगा लेंगे बराबर। चावल की लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम इसके ऊपर ग्रेवी की लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल फैला देंगे, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, पुदीने के पत्ते डाल देंगे, फ्राई की हुई अनियन डाल देंगे, रेड ऑरेंज फूड कलर ले लेंगे और एक साइड में डाल देंगे। इसे हमें चारों तरफ नहीं डालना है, थोड़ा सा केसर वाला दूध डाल देंगे एक तरफ, और इसी तरीके से फिर से हम एक और चावल की लेयर बना लेंगे। हमने दूसरी लेयर भी लगा दी है चावल की, अब इसी के ऊपर हम ग्रेवी की लेयर लगा देंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले लगाई थी। और अब इसके ऊपर हम चावल की आखिरी लेयर लगा लेंगे। सबसे ऊपर हमने चावल की एक और लेयर लगा दी है और हमारी लेयर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर एक बाउल देसी घी डालेंगे सबसे ऊपर लास्ट में, ये हम आपको बताना भूल गए थे, ये हम सबसे ऊपर डाल देंगे।
चारों तरफ डाल देंगे और बचा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे, फ्राइड अनियन डाल देंगे और इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देंगे, इसे बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे। वेसल को हमने गैस पर रख दिया है, अब हम इसे कवर कर देंगे इसके ढक्कन से, और ये जो कपड़ा लटका हुआ है इसे हल्का हल्का सा ऊपर उठा देंगे ताकि ये जले नहीं। और 2 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाना है, 2 मिनट के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। 2 मिनट हो चुके हैं हमारी बिरयानी को हाई फ्लेम पर कुक होते हुए, अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और अपने वेसल को दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर देंगे और इसके नीचे एक लोहे का तवा लगा देंगे। तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे हाई फ्लेम पर और वापसी हम इसी पर रख देंगे अपने वेसल को। जब हमारा तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट कुक करेंगे। तवा हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर अपनी बिरयानी को हम 5 से 6 मिनट दम लगा लेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, और उसके बाद हम अपनी बिरयानी को डिश आउट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमारी बिरयानी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखे हुए, दम पे रखे हुए। अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें से स्टीम निकल रही है, माशाल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपनी बिरयानी को हम डिश आउट कर लेंगे। ये लीजिए व्यूवर्स, हमारी एकदम बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप इसे गरम गरम सर्व करें किसी भी तरीके की चटनी या रायते के साथ, बहुत डिलीशियस लगती है ये, बहुत टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।